Hi, this is Manju Ramanan. And on the show today, we have a very eminent lyricist. Uh, I have admired his work for a long, long time. I had a chance to meet him in Shulini University, where he and I had a part of, we part of the same TEDx talk. Uh, I, I could see him speak on stage, where he spoke about his beautiful uh, poetry. Uh, we are talking to Mr. Raj Shekhar, and we have known him from uh, from films like Uri. we have known him from films like Tanu Weds Manu, and of course, uh, SAQ is his latest feather to his cap. There are many more songs we'll talk about, but पहले हम uh, SAQ की बात करेंगे. How did the song come to you? Or web series का song इतना popular हुआ और इतने इतना fame मिला उसको. And Rekha Bharadwaj has embellished the song. So, बताइए उसके बारे में पहले हम आपकी recentest hit के बारे में बात करेंगे. जी तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आ, हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं और आ, मैं थोड़ा सा लापरवाह आदमी हूँ तो बीच में कई बार चीजें इधर उधर हुई बट थैंक यू सो मच अः ऐसे क्यों दरअसल मिसमैच सीजन वन में गाना था ऐसे क्यों और वो गाना आ, हमें उम्मीद नहीं थी कि वो गाना काफी पॉपुलर होगा बट सम वो लोगों को पसंद आने लगा और उसके बाद जब आ, सीजन टू मिस मैच का बन रहा था तो जो डायरेक्टर है आकर्ष खुराना उन्होंने अनुराग सै किया जो कि म्यूजिक डायरेक्टर है उन्होंने उनको कहा कि यार वो ऐसे क्यों का हम कुछ नज्म गजल के तरह कुछ कर सकते हैं क्या और वो जो सीजन वन में था वो बहुत पैपी सा नंबर था गांधी और राघव चैतन्य की आवाज में है वो तो हमें लगा कि यार ये थोड़ा मतलब एक्सपेरिमेंटल होगा पर करके देखते हैं अच्छा अनुराग बिल्कुल उनको लग रहा था ये कैसे होगा वो गाना उसको वापस इसमें यूज करना तो हमने कहा कि चलो ट्राई करते हैं ट्राई किया और फिर जो पहला पार्ट है ना ऐसे क्यों कुछ तो लिखती हो वो वाला हमने पुराने आ, सीजन से रिटेन किया और आगे की चीजें जो है मेरे पास सिचुएशन बहुत कुछ नहीं था एक दुनिया थी तो उस वक्त स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जी। तो पर मुझे इतना पता था कि आ, आ, एक एक लड़की है आ, जिसका नाम है जीनत करीम और जो कि विद्या मालवडे प्ले कर रही है और उनके आसपास में ये गाना एक पार्ट उसका जो है वो फिल्माया जाना है और वो लखनऊ से है बहुत अच्छा बिरयानी बनाती है उसमें सीरीज में, में। और तो आ, मुझे लगा कि कुछ लखनऊ के कुछ फ्लेवर्स आ, आने चाहिए तो इस तरीके से फिर आ, 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 बाकी जो आगे का गाना है कि आ, ऐसे क्यों कुछ भी बोले वो आ, मन में घुलता है ज़ाफरान गिरता है गुल मुहर खाबों में रात भर ऐसे खाबों से बाहर निकलना जरूरी है क्या तो ये सारी चीजें वहां से आ, उनके कैरेक्टर से मुझे लगा कि ये लखनऊ और नॉर्थ की गर्मियां और गुलमोहर भरी जो सड़कें हैं वो तो इमेजरी बहुत मुझे फैसिनेट करती थी तो फिर बात ये हुआ कि आकर्ष ने कहा कि रेखा जी ही उनके में है इस गाने को लेके उनकी आवाज में ही वो इसको सोच रहे हैं मतलब ये शुरुआत होने से पहले उन्होंने कहा था कि रेखा जी के अलावा कोई नहीं हमें कोई नहीं मुझे नहीं दिख रहा है कोई हमें ये डर था कि रेखा जी पता नहीं गाएं ना गाएं सीरीज के लिए और इस तरीके से बट इज काइंड उन्होंने कहा कि ठीक है आ, गाना सुना उनको अच्छा लगा और इस गाने में एक बहुत खास बात ये हुई कि हम जैसे पुराने दिनों में सुनते थे कि आ, एल या आनंद बख्शी साहब और शंकर जयकिशन जी और शैलन जी जाते थे कहीं पे आ, सिंगर के साथ और रिहर्स करते थे तो आ, रेखा जी ने कहा कि देखो ये गाना जो है वो आ, आम गाने जैसा नहीं है तो मुझे इसके लिए रियाज की जरूरत है मतलब हम लोग साथ में बैठ के कुछ करते हैं तो हम लोग पहली बार गए हमने उनको लिरिक्स सुनाया उनको अच्छा लगा फिर हारमोनियम पे आ, उन्होंने पूरा गाना जो है वो सुर एक एक सुर जो है वो क्या है कैसे क्लियर किया फिर इसके बाद एक बार उन्होंने फिर से हमें बुलाया कि यार ये आके सुनो सब सही है कि नहीं है कैसे है मतलब उनको जरूरत नहीं थी इसकी बट बहुत गुनी है बहुत बड़ी है वो आ, और शायद इसीलिए बहुत बड़ी है वो कि तो बहुत ही अच्छे से फिर हुआ और एक बात और है कि हमें ना बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये गाना जो है इतना पसंद आएगा लोगों को सारे जो पैरामीटर्स है ना कुछ आपको अंदर की बात हो जाता हूँ तो म्यूजिक रूम में अक्सर ये बात होती है म्यूजिक लेबल के तरफ से या प्रोड्यूसर्स के तरफ से कि टू मिनट फिफ्टी सेकेंड से लेकर के थ्री मिनट टेन सेकेंड के बीच का गाना होगा ना तो वो खूब चलेगा क्योंकि वो रेडियो पे पेपी हो सकता है ज़्यादा बार ऑडियंस का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है ऐसा सुना है हमने आ, आ, कोई हुक लाइन होनी चाहिए हुक वर्ड कुछ होना चाहिए थोड़ा पेपी होना चाहिए फास्ट होना चाहिए आ, कोई जेन्जी का कोई यंग सिंगर होना चाहिए जिसकी फॉलोइंग मिलियंस में है इस गाने में सब कुछ वो नहीं था हुँ, हुँ. बिल्कुल पांच मिनट साढ़े पांच मिनट का गाना है ना तो कोई हुक वर्ड है ना तो डांस वाल करने लायक कुछ हुँ. स्टेप है वर्ड्स भी थोड़े से उर्दू और थोड़े से लिटरेरी उस तरह के हुँ. ये है आ, रेखा जी जेनजी से तो नहीं है <laughs> तो, फिर भी ये गाना इतना पसंद आया लोगों को और अभी हमने दो तीन दिन पहले ही स्पॉटिफाई पे देखा कि कुछ फिफ्टी मिलियन स्ट्रीमिंग तो uh, कई बार सिर्फ दिल को फॉलो करने से भी चीजें uh, मिल जाती है प्यार तो मिल ही जाता है और कुछ ना नंबर्स मिले ना मिले प्यार तो मिल जाता इस गाने में यर्निंग बहुत है वाला सॉन्ग है तो जब आपने लिखा तो वजटन uh, क्लाइमेट जिसको आपने वर्ड्स में एक्सप्रेस किया so, जैसा मैंने कहा कि आ, आ, ये गाना जोधपुर में के परिवेश में है पूरा और वहां पे जिस वक्त ये है वहां पे गर्मियां है हुँ. पर ये जो किरदार है हमारी ये लखनऊ से है तो लखनऊ का जो एक तस्वीर है मेरे दिमाग में क्योंकि तनुवेश मनु से मैं लखनऊ से जुड़ा वो पहली फिल्म थी जबकि मुझे लखनऊ उससे पहले लखनऊ पास से गुजरता हुआ एक स्टेशन हुआ करता था तनुवेश मनु ने उससे लिए मेरे मेरे लिए एक शहर बना दिया आ, और काफी बार हम आ, काफी वक्त तक हम लखनऊ में रुके कारण से तो

अब बिरयानी के बारे में उसमें उस सीन भी ऐसा है कि वो कहती हैं कि आ, अरे आप हमारे घर आए कभी हम आपको बिरयानी बनाते हैं आप भी बिरयानी लखनऊ की अब उसमें से मुझे ये पिक करना था कि कौन सा आ, न, जो इंग्रेडिएंट है ना वो खूबसूरत भी है फॉरेटिकली भी सही जा रहा है अब प्याज शायद अच्छे से उसका एक जो हाँ। एक दिमाग का जो आफ्टर टेस्ट मिलता है, है। वो अच्छा हाँ। तो जरूरी है, है। पर नहीं आ, बहुत सारे मसाले मैंने मनु में यूज कर लिया था एक गाना है मनु भैया का करी है। तो उसमें है कि अम्बिया इलायची दालचीनी और केसर सुखाएगी मन्नू करोल बाग के छत पर फिर पोस्ता पिसेगा कलौंजी कूटेगी बर्तमान से वाह उठेगी तो मुझे लगा कि इनमें से तो कुछ नहीं करना चाहिए तो इस तरीके से जाफान आया हाँ, हाँ। आ, और और उसमें एक बात है कि जो जीनत करीम है आ, आ, उनके पहले इससे पहले उनकी शादी हुई थी और वो हस्बैंड नहीं रहे वो गुजर गए करीम जो है उनका सरनेम है उसबेंड से हुँ। वो हुँ। पर उन्होंने वो बदला नहीं है अभी तक यहाँ पे कई मोहब्बत की शुरुआत हो रही है जो आदमी है सामने वो उसको उसके सेकंड नेम से बुलाता है है सर करीम बोलता है बार बार हुँ। हुँ। तो ये एक बहुत ही बहुत ही प्यारा सा एक आपके पास्ट को लेते हुए एक आगे जाने की जो एक बात है ना तो मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा तो उससे वो आया कि ऐसे क्यों उसके होठों पर अच्छा लगता है मेरा नाम हम्म 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 तो कुछ भी बोल वो मन में घुलता है ज़ाफ़रान तो कई सारी चीजें किरदार से आ गई कुछ शहर से आ गया इस तरीके से चीनी कम में भी जाफरानी बिरयानी का आ मीन द मेंशन है ना देयर इज वेरी स्पेसिफिक मेंशन ऑफ द फूड एंड फूड का एनालॉजी बहुत इंटरेस्टिंगली यूज्ड है पर आप मस्ट बी अ फूडी जिसकी वजह से आपको फूड में देखते ही लगता हूँ <laughs> <laughs> और आपके कपड़ों से लग रहा है कि आप सन साइंस में भी इंटरेस्टेड हो नहीं ये आ, मुझे नहीं पता, नहीं पता ये पता नहीं था कि क्या है मेरी एक दोस्त जयपुर गई थी तो वो ले आई <laughs> और उन्होंने मुझे ये दिया अच्छा। तो इसमें सारे हैं यू कैन सी तुला ऑल ऑफ़ द राशियस मुझे कुछ-कुछ तो जैसे ये कैंसर दिख रहा है के प्रकार ने तो, हां वो आ रहा है आई कैन सी है पासेस बोलते हैं हां हा, ये है मेरा ये मेरा है 27 22nd सितंबर को अभी जो आ रहा है ये यू आर अ वर्गो वर्गो और लिब्रा सितंबर दोनों कहते हैं कि कास्प, मिला हुआ है स्कस ओके ओके ओके

आपसे आपके साथ तो एक और कनेक्शन है इस गाने का कि आपके शहर में इसकी रिकॉर्डिंग हुई है यस 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 दुबई में दुबई में जी तो ये ये बात है ठीक आज से पांच साल पहले mm -hmm. आ, आ, यही वक्त था mm -hmm. सितंबर mm -hmm. और आ, उस वक्त इरफान साहब की एक दूसरी फिल्म बन रही थी जिसके लिए कि मैं गाने लिख रहा था जी और मेरा करीब करीब सिंगल से। वो कौन सी फिल्म तो वो फिल्म बनी नहीं बनी नहीं वो अच्छा अच्छा हो गई बट वो बीच में तबीयत जब खराब हुई तब उस सब कारण से बहुत सारी चीजें हो गई तो वो मैं उस फिल्म के लिए गाने लिख रहा था जी और इरफान साहब मैंने एक दो गाने लिखे थे जो कि इरफान साहब को बहुत पसंद आए थे फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई और आ, 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 काफी बातचीत होती थी तो फिर एक दिन उन्होंने हमें कहा कि यार हम ना एक आ, हमारी एक और फिल्म है आ, जो कि तनुजा डायरेक्ट कर रही है और उत्तपा और शैलजा प्रोड्यूस कर रही है तो अगर आ, एक गाना है उसमें और हम उस गाने में फंस गए हैं तो अगर देखो आ, तुम लोग आके कि अगर हो सकता है क्या तो हमने कहा ठीक है फिर हमें मोटा माटी एक दुनिया बताई गई तरजा ने बताया कि ये ऐसे ऐसे है हमने कहा ठीक है और विशाल मिश्रा जो कि म्यूजिक डायरेक्टर है वो हम और वो साथ गए थे तो हमने कहा ठीक है अः फिर हमने कुछ लिखा आ, मुझे याद है कि बाईस सितंबर का दिन था इसलिए बहुत अच्छे से याद है कि विशाल मैं हम लोग उनके दफ्तर गए और पियानो पे कुछ उसने ऐसे आ, आ, कुछ कीबोर्ड पे बजाया जो कि धुन सबको अच्छी लगी और अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ती जा रही थी और मेरे दोस्त इंतजार कर रहे थे जिनको कि मैंने बर्थडे के लिए पार्टी पे बुलाया था यहाँ पे हमारी पार्टी शुरू हो गई थी अच्छा मुझे भी अच्छा लग रहा था बर्थडे बर्थडे की बात सारा के दिन ही ओ, okay. तो विशाल ने मुझे कहा कि भैया चलेंगे सुनाएंगे धुन आधे घंटे में लौट आएंगे हमने कहा कि हाँ लौटना जरूरी है क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि घर पे आ रहे हैं वो इंतजार करेंगे आधे घंटे की बात हो गई वो पांच छह घंटे हो गए अभी दोस्तों के कॉल आ रहे हैं मुझे मजा उधर भी आ रहा है कि यार गाना बन रहा है अच्छा लग रहा है तो खैर वो गाना हुआ उस तरीके से लिखा गया अपने वहीं लिखा था कि पहले से लिख लिख रहे नहीं पहले से नहीं पहले से नहीं, नहीं लिखा लिखा कुछ 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 लिखा था कुछ कुछ घर आके लिखा कट तीन चार दिन बाद इरफान साहब सबको गाना पसंद आया इरफान साहब का कॉल आया मुझे कि राज ये जो किरदार है योगी तुमने बहुत अच्छा लिखा है पर ये ये आदमी ना इसकी जबान इतनी टफ नहीं टफ नहीं है ये बहुत तुमने बहुत डीप चले गए डीप है ये भी आदमी डीप है दिल से बहुत डीप है बट इसके पास ये नफासत नहीं है जबान की ये जिस तरीके से तुमने एक्सप्रेस किया है ये उत, ये सेल्फ पब्लिश्ड पोएट ये सोचता है कि ये अच्छा पोएट है पर कहीं ना कहीं इसको दिल में पता है कि ये उतना अच्छा नहीं है हु. आ, तो शायद ये जो है ना ये बीस हो रहा है मेरे किरदार से कहीं आगे जा रही है बात तो मैंने कहा अच्छा तो उन्होंने कहा कि वो जो जैसे वो सीन है मैंने कहा सर मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है अभी अः तो बोला अच्छा तुमने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी ऐसा कैसे मैंने कहा सर मैंने कहा था किसी को दफ्तर में कि हमें स्क्रिप्ट दे, दे दें आप तो बट बात आई गई हो गई फिर हम एक ही गाने के लिए आए थे तो हमने उतना जोर नहीं दिया कुछ बाकी तो हम तो बोले बाकी फिल्मों में मैंने कहा बाकी फिल्मों में स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ बाकायदा में नोट्स बनाता हूँ बातें होती हैं तो उन्होंने वही कहा कि सुतपा तो इनको स्क्रिप्ट नहीं दी आपने अभी तक ये क्या है मुझे स्क्रिप्ट आई फिर उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट पढ़ के तुम तो मुझे बताना तुम्हें क्या लगा तो फिर मेरी जो जो भी बात पर पर पढ़ते हुए मुझे लगा कि हाँ बात ये सही है कि शायद ये फील बहुत अच्छे से करता है उस बात को पर तो उन्होंने तो कहा कि बहुत अच्छा लिखा हुआ अगर उसको अगर अब मेरे योगी के हिसाब से कर दो मैंने कहा ठीक है फिर मैंने उसको रिराइट किया तो और ये गाना पूरा का पूरा गाना मतलब फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड तक पूरा गाना रिराइट हुआ और एक ही बार ऐसा नहीं कि कुछ बार बार होता रहा एक ही बार जो हुआ तो वो मैंने फिर वो सुना बोला ये अच्छा ये आ। आ, बढ़िया है तो आ, उनका जैसे

इस गाने की तैयारी के समय में इस गाने के बनने के समय में हम बहुत बार मिले उनसे और कई बार तो मैं जानबूझ के ना जैसे मुझे याद है कि एक वर्ड ना हाँ उसमें है कि पहला जो शहजा है कि वो जो था सा क्या कहे जाने दे ये जो है कम से कम ये रहे कि जाने दे क्यों ना कर खुद को एक मशवरा कर ले मगर जाने दे आदतन तो सोचेंगे होता यूं तो क्या होता आदतन तो सोचेंगे होता यूं तो क्या होता मगर जाने दे वो जो था खाब सा क्या कहे अब उन्होंने एक बात कही थी कि ये क्यों ना रोक कर खुद को एक मशवरा कर ले, ये ठीक लग रहा है मैंने कहा आपको क्या लग रहा है बोले मैं अभी इस पर राय नहीं बना पाया हूँ बट तुम्हें क्या लग रहा है मैंने कहा मुझे उतना ठीक नहीं लग रहा है कहते हाँ हाँ इसको ठीक कर लेते हैं अगली तो ठीक है अगली बार में मिला तो क्या 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 मेरा कुछ हुआ क्या तो मैंने कहा हाँ कुछ हुआ है गए अगली बार तो ये क्या बदला मैंने कहा नहीं मुझे लगा कि वो ठीक है नहीं, नहीं। तो, तो मैं सिर्फ इसलिए भी कई सारी चीजें जानबूझ के टालता था कि और मिलने का मौका मिले उनसे नहीं। नहीं। और इतने प्यारे इतने खूबसूरत इतने मतलब जैसे वो ना कई बार एक तरफ वो आ, फिल्मों से अलग इन इस गाने से अलग कई कह, कई बातें हुई आ, जैसे कि वो हाइकू के बारे में बहुत बात करते थे जापनीज, जा, जापनीज पोइट्री फॉर्म अब और दूसरी तरफ वो कभी कभी बात करते थे मौलाना रूमी के बारे में अब देखिए हाइकू जो है वो एक सत्रह सिलेबस सेवनटीन सिलेबल्स में हाँ hmm. वो एक और ज्यादातर इसमें इमेजेस है आपके अंदर खुलती है hmm. Hmm. आपकी आंखें हाइकू देखती है और कविता आपके अंदर खुलती है ब्यूटिफुल hmm. एक बिल्कुल दूसरे तरह की दुनिया है वो और बिल्कुल दूसरे तरह की दुनिया है रूमी की राइट right. हम्म hmm. तो ये जो एक एक मतलब स्पेक्ट्रम है। दो कोल्स हाँ हा, स्पेक्ट्रम को एक तो ये कई बार वो बात करते हुए वो जिस तरीके से इधर से उधर चले जाते थे ना वो मतलब मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे खूबसूरत जो लम्हे मेरे हैं बॉम्बे के फिल्म से जुड़ने के बाद के उनमें से आ, मैं उनको सहेज कर रखूंगा ताउ तो पर एक, एक चीज का बहुत दुख है उस गाने के साथ जुड़ा हुआ वो ये कि कोविड के समय में हम घर पे अकेले थे इसी घर में और इरफान साहब के बारे में खबर आई अच्छा बीच में जब वो लंदन में थे तब भी हमारी कई बार मैसेजेस पे बात होती थी वो कई बार कहते थे कुछ भेजो बहुत एक बहुत खूबसूरत वो है मजाक मैंने मैंने कहा तो उन्हें उन्होंने लिखा कुछ भेजो मैंने लिखा क्या उन्होंने कहा अरे कुछ पढ़ने लिखने वाला कुछ भेजो तो मुझे याद है कि मैंने ना फैज अहमद फैज की कोई लाइन उनको भेज दी जो कि थोड़ा सा कि वो है मतलब अपलिफ्टिंग मुझे याद है वो आ, गम न कर गम न कर उनकी एक नज्म है अच्छा रुत बदल जाएगी आ, दिन संभल जाएंगे गम न कर गम समथिंग लाइक दिस तरह इस तरह का मैंने कुछ भेजा हुँ. और मैंने ये लिखना भूल गया कि नीचे फैज अहमद फैज मुझे लगा कि मतलब इसमें चोरी की कोई नहीं, वो नहीं थी पर हाँ, मुझे नहीं थी, आ, लगा कैसे तो उन्होंने लिखा कि अच्छा तुम फैज के नाम से भी लिखते हो <laughs> <laughs> तो फिर लिखते है कि अरे अपना कुछ भेजो हुँ. तो मैंने कहा अच्छा मैं ना फटाफट उसी वक्त कुछ लिखने लगा तो मैंने दो लाइन तभी उनको कुछ भेज दिया <laughs> कुछ देर बाद उनका मैसेज आता है साइनिंग चाहिए क्या बहुत कंजूस हो गए हो <laughs> 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 तो अच्छा उस वक्त वो अस्पताल में अस्पताल में बिस्तर पे पर ये जो विट था उनका ये जो एक जिंदा दिली थी ये जी और फिर कोविड के वक्त में आप एक इंसान से इतना जुड़े होते हैं अच्छा ऐसा नहीं था कि हम लोग बार-बार मिल रहे हैं जब भी मिलते थे बहुत मोहब्बत से वो मिलते थे और फिर एक दिन पता चलता है कि आपका लिखा हुआ गाना आ, जो है वो आ, वो सारे न्यूज़ चैनल्स पे लोगों के उसमें एक्सप्रेशन में वो गाना आ, एक गुड बाय सॉन्ग की तरह हो जाता है तो आ, मैं बहुत दिनों तक इस बात को लेके मुझे बहुत दुख था कहीं पता नहीं दुख गिल्ट था कहीं मन में कि यार ये गाना मुझे नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि वो गाना जब भी बहुत दिनों तक बजता रहा ना मुझे बार-बार वो द ओकेजन वाज ऑलवेज हिज डे वो वो आता है करीब के साथ वो जुड़ गई जी जी बट बहुत ही उस गाने का बहुत ही उसमें एक लाइन है जो कि मुझे मैंने सोचा था बाद में चेंज कर दूंगा मुझे उतना पसंद बहुत पसंद नहीं थी ये लाइन पर वो वो लाइन लोगों को बहुत पसंद आई वो थी कि आ, आसा नहीं है मगर जाना नहीं है बुधर मालूम है जहां दर्द है वहां फिर भी क्यों जाए वही कश्मश वही उलझने वही टीस क्यों लाए बेहतर तो ये होता हम मिले ही ना होते बेहतर तो ये होता अब ये लाइन मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी हल्की सी लाइन हल्की लाइन है बट शायद लोगों के साथ ये बहुत अच्छे से है, रेल्जनेट। है, रेल्जनेट। और ने कहा कि बहुत अच्छा वो है ये बेहतर तो ये होता हम मिले नहीं ना होते मगर जाने दे हो, Actually, the होता? song ke andar na, wo hesitation hai That is the beauty of the song. okay I thought about it, but so, It goes forward, it goes backward. It is always in that middle, uh, which is the beauty जे. of the song. Because the song ke andar movement hai, and जे. that I think is the beauty of the song. Because uh, he's not singing the song. It's anyway a background song. It is a situational background song, which is which is uh, well. It's a very beautiful song, very well done, and of course, Irfan ke saath to ek It also changes another. Yeah. magnitude changes. Okay, tell me about Urta Titar and so so many other songs which are very rooted in the region. Um, it's rooted comes from the soil. Its aphorisms and uske words hai. Not only that, even womania ho ya. Uh, many songs which come from the uh, तो लैंग्वेज पे आपको हिंदी आप कितनी, कितनी, बोलते हैं और uh, ये जो डायलैक्ट हैं ये नेचुरली अब्जॉर्ब होते हैं कि आप सीखते हो या आप यू हैव एन इक्ट सो मैं अभी भी बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे बिहार से होने तो तो वो अभी ना तो कोशिश है कि वो हट पाए आ, वो ठीक है मैं बिहार से हूँ और बट स्कूल के बाद मैं दिल्ली आ गया था तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई दिल्ली में हुई आ, दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो एक छोटा सा हिंदुस्तान है अपने आप में हॉस्टल है या आ, जो भी कह लें तो कॉलेज uh, या हॉस्टल वो ना एक सच में एक बहुत ही एक मेल्टिंग हिंदुस्तान ही नहीं आसपास के देशों से भी बहुत सारे uh, लोग मिल जाते हैं तो uh, क्योंकि मैं लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ और uh, खास करके uh, भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक्स हमारा एक पेपर होता था तो एक uh, शब्द किस तरीके से ट्र... ट्रैवल करते हैं उसकी जर्नी क्या रही है कैसे उसका जेनेसिस क्या रहा है और कैसे वो कहाँ पहुंच के किस तरीके तो ये मुझे काफी इंटरेस्ट करता है तो प, एक तो बहुत सारा इसका जो श्रेय है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरे दोस्तों को जाता है जिसमें कि कोई हरियाणा से है कोई पंजाब से है कोई केरला से है कोई मणिपुर से है और मतलब तमाम जगहों से लोग हैं और जो हिंदी भी बोलते हैं उसमें भी अब जयपुर वालों की हिंदी और भोपाल वालों की हिंदी और देवरिया वालों की हिंदी बिल्कुल अलग होगी बिल्कुल अलग होगी और, और सिर्फ सिर्फ टोन की बात नहीं है जैसे दिल्ली वालों को गुस्सा आता है लखनऊ वालों को गुस्सा आती है ये भी है <laughs> तो आ, एक तो लैंग्वेज को लेके एक थोड़ा उत्सुक भी रहता हूं आ, इवन की आ, नागा और मणिपुरी में भी कुछ कुछ लैंग्वेज तो दोस्तों से तो हाँ थोड़ा बहुत ये नहीं कह सकता हूँ समझ सकता हूँ पर दो लोग बात करेंगे तो हल्का सा एक वो है कि पता चलता है। ये मेरी अच्छाई कर रहे हैं या मुझे गाली दे रहे हैं ये समझ में आ जाए साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में तो बहुत ही टोटली न्यू वंस नो दे आर नॉट एट ऑल एनीथिंग सिमिलर टू हिंदी आपने तो मलयालम तो... पर... फिल्म के लिए भी हिंदी गाना लिखा है पर तमिल uh, 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 थोड़ा बहुत अब मतलब दो लोग बात कर रहे हैं तो समझ में थोड़ा सा आएगा मुझे हुँ. कि आह uh, I mean. आमा आह साथ या ये थोड़ा बहुत uh, समझ सकता हूँ ये पोलामा तो <laughs> इतना सब मलयालम uh, में भी बहुत आप तो मलयालम अभी एक फिल्म भी I speak Tamil अच्छा आपका मलय ओके तो uh, तो ये जो उड़ता तीतर की जो बात है आ, वो की एक फिल्म थी जो कि वेस्टर्न यूपी की है हुँ. अब आ, एक एक मुहावरा है कि घना उड़ता तितर बन रहा है मतलब बहुत ओवर स्मार्ट को बोलते हैं घना तीतर बन रहा है घना उड़ता तितर बन रहा है ये बोलते हैं हुँ. तो वहां से ये आया आ, मैं उड़ता लाऊंगी थे और उनको दादियों को ये कहा जाता कि ये बोल साय हेट करना है तो कहते बोल साय की हो गए सांड की आंख तो वहां से ये आया कि अच्छा ऐसे ये है आ, पर इससे पहले ये जो हरियाणवी और इसका मामला जो है ये इसकी शुरुआत हुई रिटर्न के गाने से जिसका नाम है घनी बाबरी तो उसको एक बड़ी दिलचस्प कहानी है उसकी तनवेट्स मनु को आए हुए तीन साल हो गए थे और हम लोग अब रिटर्न पे पे काम शुरू किया था पहला ही गाना था जिस जो की सॉरी कृष्णा uh, ने जो म्यूजिक डायरेक्टर है इसके उन्होंने धुन बना धुन नहीं बनाई थी तब तो, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ हरियाणवी में लिख के दो क्योंकि कुसुम दत्तो सांग हाँ, 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 नई अवतार थी जी वो आ, उन उन वो हरियाणा से थी तो कुछ उसके लिए कुछ होना चाहिए उसके लिए लिख के ठीक है तो हॉस्टल के दिनों में मैं देखता था कि मेरे जो दोस्त थे हरियाणा से सांगवान और ढुकिया और जो भी तो वो सब ना ये लाइन बहुत बोलते थे कि घना बावरा हो गया है हुँ, हुँ. तो एकदम पागल हो गया है हुँ, हुँ. तो मुझे ये इसका साउंड बहुत अच्छा लगा था हुँ. और और कई बार वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी बहुत प्यार से बोलता बोल रहे हो रही के कि तो मुझे नहीं साउंड बहुत अच्छा लगा था तो मैंने कहा चलो इसको देकर करके लिखते हैं मैंने लिखा अब रात में ये गाना अच्छा मेरे पास डेडलाइन था कि रात में बारह बजे तक किसी भी हालत में गाना देना है नहीं तो दिक्कत हो जाएगी मैंने लिख तो दिया अब मैं रात में बारह के लगभग फोन कर रहा हूँ अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिनों के पुराने दोस्तों को तो वो फोन नहीं उठा रहे तो संयोग से एक दोस्त की वाइफ का नंबर भी मेरे पास था तो मैंने उनको फोन किया उन्होंने उठा लिया तो तो कह रही भैया सब ठीक है क्या हो गया तो मैं मैंने कहा नहीं नहीं सब ठीक है कहा आप? उनको लगा कि मैं शायद दिल्ली में एयरपोर्ट के आसपास पास हूँ रात हो गई है मुझे टैक्सी नहीं, 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 नहीं मिल रही कुछ इस तरह का तो मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है मैं बॉम्बे में हूँ अपने घर पे हूँ तो बोला इतनी रात क्या हो गया मैंने कहा गाना लिखा था वो हरियाणवी में है और आप उसका ग्रामर देख दो यार रात में बारह सारे बारह बज रहे हैं हमारे बच्चे सो रहे हैं हम लोग सो रहे हैं मैंने कहा रे कोई बात नहीं ये गलत चला जाएगा तो फिर बाद में ये मत कहना कि हरियाणवी एक बिहारी आदमी ने हरियाणवी गाना लिखा और गलत लिख दिया <laughs> तो बोली हाँ ठीक है फिर उन्होंने कुछ कुछ करेक्शन किया पर वो जो बता रही थी वो बहुत ही अः ठेठ था

दरअसल बहुत सारी चीजें हैं जो कि तीन चार फिल्में कर रहा हूं जो कि एक, एक इस साल अच्छा। रिलीज है हाँ थोड़ा वो ना वो एनडीए जो साइन करा लेते हैं ना हम तो पर मैं इतना बता सकता हूं कि दिसंबर में एक फिल्म रिलीज है अच्छा। और एक एक्टर है जिसके साथ की आ, तीन एक्टर है जिनके साथ की मुझे हमेशा से मन था काम करने का अच्छा कौन कौन थे वो कौन आ, है वो है तीन हिंदी में तीन इरफान साहब वो हो गया रणबीर कपूर और शाहरुख खान हाँ ठीक है तो, तो आपने So uh, <laughs> मलयालम में फहाद हाँ, हाँ, हाँ। फसिल जो की हो गया है, हो गया है।, है। मेरा। अच्छा। उनके साथ एक फिल्म की अच्छा ये विश लिस्ट के बाद दूसरी विश लिस्ट निकलेगी राइट हाँ <laughs> कनीज की हार जो है कि बढ़ती जाती है वो मुगल आजम में था जी बट इतना कह रहा हूँ जो दिसंबर में हमारी फिल्म आ रही जो गाना आ रहा है मुझे उम्मीद है कि वो गाना बहुत पसंद आएगा मुझे लग रहा है ऐसा लोग मुझे बहुत प्यारा लगता है वो गाना इंशाल्लाह लाइक दिस से हियर

फर्स्ट अवॉर्ड ah, है जो कि मुझे मिला है। एस डब्ल्यू अभी जो मिला आपको ये ऐसे क्यों के लिए लिखा हुआ अवॉर्डरफुल आई थिंक इट्स अ ग्रेट थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू मी थैंक यू विल मीट अगेन सून जब भी आप दुबई थैंक यू थैंक यू या